आज एक ऐसी बात होने वाली है कि सब जानते हैं, सबको पता है वो चीज, सबको, ईच एंड एवरीवन, कि आलस क्या है और वो आता कहाँ से है, और इसी विषय में बात करेंगे आज। हैव यू फील अबाउट कि आलस क्या है? कभी आपने अपने ऊपर अप्लाई किया है क्या कि आलस मुझे आता कहाँ से है, और आलस नाम की आलस कौन सी चिड़िया का नाम है? क्या वो बाहर से ही आता है या अपने अंदर में ही होता है और हम आलस आलस को कोसते हैं और अपना काम नहीं कर पाते हैं? कभी आपने रियलाइज़ किया है कि जब आपको पता चला हो कि स्कूल में अनाउंसमेंट हुआ है कि आपको है ना पिकनिक के लिए नेक्स्ट मंथ में जाना है, और जो जो इंटरेस्टेड है तो कुछ दिनों में पैसे लाके मेन ऑफिस में भर दे, तो फिर पता है मम्मी को बताते हैं, और हमें हमारे मन में ये भी चल रहा होता है कि मम्मी मुझे पैसे देंगी कि नहीं मम्मी, और जैसे जाते तो पहले मम्मी बोलती थी ना तुझे कोई जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तू लास्ट टाइम में अच्छे मार्क्स नहीं लाया था। अब क्या हमें वहाँ पे आलस आता है क्या? तब तो हम गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं, प्लीज दे दो। अरे मैं पापा को मना लूंगा, पिकनिक जाने वाले, पूरी क्लास जाने वाली है, कितना सारा, मतलब पूरा क्लियर होता है ना माइंड कि मुझे है ना अब जाना है पिकनिक मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ में, सब लोग जाने वाले हैं क्योंकि पूरी स्कूल जा रही है। क्या हमें उस समय पे आलस आता है क्या? और क्या हम सोचते हैं कि अरे यार जाने दो ना, मेरे को आलस आ रहा है, मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा लगता है क्या? नहीं ना। अच्छा चलो जान दो, ये भी नहीं पता चलता। और हमें आलस तो तब आ रहा होता है जब हम पढ़ने बैठते हैं, जब बुक खोलते हैं कि अरे आज, अब हमें पता भी होता है कि नेक्स्ट 3 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो हमें है ना एकदम पूरा फोकस के साथ नहीं पढ़ते क्योंकि हमें, और हमें पता भी होता है, तब वहाँ पे ना हमें बड़ा आलस आता है यार, 4 महीने बचे हैं, अभी 4 महीना है ना, बाद में पढ़ लेंगे। और जैसे ही बुक उठा के देखते हैं यार, पढ़ा 1 घंटा, पढ़ा 1.5 घंटा, पढ़ा 2 घंटा, पढ़ा, इसके बाद में ऐसे नींद आने लगती है और पूरा आँखों के सामने ब्लैक ब्लैक अंधेरा अंधेरा आने लगता है, और फिर बाद में सोचते हैं बुक बंद करते, थोड़ा देर रेस्ट करके आते, घूम के आते फ्रेंड के साथ में, या तो थोड़ा व्हाट्सएप या मोबाइल चला लेते, फेसबुक सोशल मीडिया यूज़ कर लेते, और जहाँ 5 मिनट के बदले 5 घंटे कब निकल जाते वो भी नहीं पता चलता। क्या हमें वहाँ पे आलस आता है क्या? हाँ, क्या तुम्हारे साथ में कभी ऐसा रियलाइज़ हुआ है क्या कि तुम्हें किस चीज़ में आलस आता है? कभी आपने सोचने की कोशिश की कि हमें ऐसा वहाँ पे क्यों आलस आता है, जो चीज़ हम कर रहे होते हैं उस चीज़ में हमें क्यों आलस आता है? तो एग्जांपल, एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ जिससे कि रिलेट कर पाओगे, पता नहीं उसकी जो डेप्थ है आप लोग पकड़ पाओगे कि नहीं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे माइंड में क्लियर नहीं होता, हमारे माइंड में एकदम पता नहीं होता कि हमें करना क्या है, तो एकदम सिंपल है, पता नहीं, भले से थोड़ा बियर्ड हो, कुछ भी हो, आई डोंट केयर, कि आप समझने की कोशिश कर पा रहे हो कि नहीं मैं क्या बताना चाहता हूँ। जब आपको टॉयलेट या बाथरूम जब आती है तब आपको आलस आता है क्या? सिंपल आलस आता है, तुम्हारे माइंड में सिंपल क्लियर होता है कि तुम्हें अब टॉयलेट जाना है, बस हो गया, इतना बर्दाश्त किया, अब नहीं हो पा रहा है, तुम्हें बाथरूम यूज़ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज पता ना क्या हो जाएगा, तब आलस आता है क्या? Do you think about it? क्या आपने सोचा है कि ऐसा हमारा माइंड हमारे साथ में क्यों प्ले करता है, क्यों खेलता है हमारे साथ में? आपको किसी चीज़ में कोई काम ऐसा जैसा करना है जो बहुत ही क्लियर हो, तुम्हें पता था ना टॉयलेट जाना है, अब तुम उसके लिए रास्ता अपने आप निकालोगे क्योंकि पता है ना अगर नहीं गया तो क्या हो जाएगा मेरे साथ में। तो जब हम पढ़ने बैठते हैं या ऐसा कुछ ऐसा काम करने बैठते हैं, हमें पता होता है कि वो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, इतना ज़बरदस्त है, हमारी लाइफ क्या से क्या हो जाएगी, पूरा क्लियर होता है, मगर फिर भी हमें आलस आता है। क्या ये ठीक है क्या? क्या पकड़ पा रहे हो मेरी डेप्थ को कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, कि हमें आलस आता है क्या उस टाइम पे जब हम एब्सोल्युटली क्लियर नहीं होते या क्लियर होते हैं? जो काम, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जो काम मुझे इंटरेस्टिंग बनाता है तो हमें लगता है कि उस चीज़ में हमें कोई आलस की ज़रूरत नहीं होती। एग्जांपल फॉर, तुम्हें कहीं बाहर जाना है नेक्स्ट मंथ में, या फिर तुम्हें ऐसे चीज़ दी जाए कि वही तुम्हारे लिए सब कुछ है, तो तुम्हें आलस नहीं आना चाहिए।
और ना वो आलस आएगा, समझ लो तुम्हारी कल मॉर्निंग की ट्रेन है और वो ट्रेन पकड़नी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं पीछे हो जाऊँगा। क्या तुम्हें उस रात भर आलस आएगा? क्या आलस आएगा? क्या सोचो कि अरे यार ट्रेन ही तो है, जान लो कल पकड़ लेंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं ना, तुम उस दिन पहले पकड़ लोगे और उससे पहले उठ के बैठ जाओगे, रेडी हो जाओगे। एग्जाम्पल, जब बस मैंने पिकनिक की कही, ऐसा मेरे पास हुआ था जब स्कूल में अनाउंसमेंट हुआ था कि पिकनिक जाना है, मैंने इतने मतलब जुगाड़ है ना जुगाड़, ऐसे जुगाड़ किए, मम्मी नहीं दी तो पापा के पास गया, पापा नहीं दिए तो मामा के पास गया, मामा भी नहीं दिए तो भाई के पास, भाई भी नहीं दिए तो कहीं ना कहीं फ्रेंड के पास, मतलब फुल जितना भी मेरे को रोक लो हाँ नहीं जाना है, जितना भी रोकने की कोशिश हो रही थी, जितना भी मेरा माइंड बोल रहा था नहीं जाना है, मगर मैं जुगाड़ बना रहा था भाई ये नहीं तो ये हेल्प कर देगा, जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा, फुल पॉजिटिव माइंड। मगर जब हमें पता होता है कि जब हमारे लिए ये जो मेरा फ्यूचर है पढ़ना, जिस किसी भी फील्ड में मैं जा रहा हूँ, जो एग्जाम्पल पढ़ना, उसको आप किसी से भी रिलेट कर सकते हो कि पढ़ना है या किसी को गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, किसी को स्पोर्ट में जाना है, किसी के लिए डॉक्टर बनना है, बहुत सारी वे, किसी को डांसर, किसी को सिंगर, किसी को बैंकिंग, बहुत सारी वेज हैं जिसको उसमें जाना है। मगर जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में जो डिफ़िकल्टी आती है ना, हमारा माइंड हमारे साथ में प्ले करने लगता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर आप कुछ ऐसा करो, उसको इंटरेस्ट बना के करो, तो मे बी इट विल बी बेनिफिट फॉर यू, बेनिफिट फॉर यू। मेरा यही है कि क्या आप रियली मेरी डेप्थ को पकड़ पा रहे हो, मैं किस चीज़ को कोशिश कर रहा हूँ बताने की, कि हमें आलस क्यों, कब, किस समय आता है, जब हम अपने माइंड में एब्सोल्युटली क्लियर नहीं होते हैं, पक्का बता रहा हूँ, एब्सोल्युटली क्लियर नहीं होते हैं कि हमें करना क्या है, तब तक हमारा माइंड वो काम करने की अनुमति नहीं देगा, वो करने की इजाज़त नहीं देगा कि तू ये कर। अगर तुम स्टार्ट भी कर दोगे ना, अगर अपने माइंड से क्लियर नहीं होगे ना, वो काम नहीं कर पाओगे, 100% बोल रहा हूँ। मगर व्हेन यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि मेरे को अब ये काम करना है, ये रास्ते पे मुझे जाना है और यही मेरे लिए अच्छा है, स्टार्टिंग में दर्द होगा, तकलीफें होंगी, मगर बाद में जो उसका बेनिफिट, जो उसका फल मिलेगा, तो मेरी लाइफ क्या से क्या होगी। हैव यू अब पकड़ पा रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कर बताने की कोशिश कर रहा हूँ? आपके साथ में कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप अलार्म लगाते होंगे 6:45, फिर जब अलार्म बजता होगा इन द मॉर्निंग में, अरे यार 5 मिनट और सोने ना, 15 मिनट बाकी, मैं 7 बजे पक्का उठ जाऊँगा, 15 मिनट तो और बाकी, अलार्म को कट कर देते हैं। हमारे साथ में होता है ना, क्योंकि हम एब्सोल्युटली क्लियर नहीं होते हैं, हमारा माइंड सोते समय उतना वर्क नहीं कर रहा होता है, क्योंकि हम पूरी गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हम अलार्म को आगे 5 मिनट 15 मिनट के लिए बढ़ा देते हैं, स्नूज कर देते हैं। क्या ऐसे टाइम पे अगर हमारा माइंड एब्सोल्युटली क्लियर हो, हाँ भाई उठना है क्योंकि कल मेरी एग्ज़ाम है, क्योंकि कल मेरा पेपर है, क्योंकि मेरा कल इम्पॉर्टेंट डे है, कि मेरी कल एकदम भारी वाली मीटिंग है, क्योंकि मैं जो काम करने वाला हूँ कल के दिन की मॉर्निंग से ही स्टार्ट होने वाला है एकदम, उसका बेनिफिट मुझे कल से ही मिलने वाला है। अगर हम एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। मैं बोलता हूँ कि मेरे हिसाब से आपके हिसाब से क्या हुआ, मेरे हिसाब से जो था मैंने वो बताया, आपके हिसाब से क्या आलस है, एब्सोल्युटली क्या क्लियर है, आपको क्या बनना है। अगर जब तक आप क्लियरिटी नहीं लाओगे ना अपने उस, क्योंकि जैसे हम क्लियरिटी लाने की कोशिश करते हैं ना, हमारा माइंड उससे 10 ऑप्शन और खोल के रख देता है, अरे भाई ये भी कर सकता है तू, ये भी कर सकता है, वो हमें ना कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करता है। अगर यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि तुम्हें क्या करना है, तो शायद से आप अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को, अपनी आलस को, सब कुछ पा सकते हो। जो तुम्हारा आलस है उसको ख़त्म कर सकते हो, अपने गोल्स और ड्रीम्स को पा सकते हो, इफ़ यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। अभी देखो, अभी भी बता रहा हूँ, अभी कुछ लोग मेरी ये वीडियो को देख भी रहे होंगे मगर सब्सक्राइब करने के लिए आलस कर रहे होंगे कि ये जो नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसको दबाओ कि नहीं दबाओ, ये बंदे से मेरे को बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे यार दबा दो, पॉजिटिविटी से घिरे रहो ना, क्या प्रॉब्लम है, देखो ना कॉमेडी किसने रोका है, कॉमेडी देखो, जो मन करता है आपका वो करो, हमें मोटिवेशन की भी तो ज़रूरत पड़ती है, अगर दबा दो पड़ता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून। और आप सबसे बात करके वीडियो के माध्यम से मुझे बहुत ही मज़ा आता है, कमेंट दीजिएगा, मैं वेट करूँगा ज़रूर आपके एक एक कमेंट का।
मैं ध्यान से पढ़ूंगा, उसको रिप्लाई भी जरूर करूंगा और ये पॉजिटिव रिव्यूमेंट भी होगा आगे, बहुत मजा आएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, शेयर टू योर फ्रेंड अगर उनको लगता है कि इनको भी बेनिफिट हो सकता है शायद मेरी वीडियो देखने से। तो प्लीज़ इनवाइट करिए अपने फ्रेंड लोगों को भी और अपने फैमिली में भी दिखाइए, खुद भी देखिए, मोटिवेट होते रहिए। क्या यार छोटी सी जिंदगी है, कब खत्म हो जाए क्या पता। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माँ बाप का ख्याल जरूर रखिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस माई वीडियो, थैंक यू गाइज़।